हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ सल्फर टेट्रा फ्लोराइड मॉलिक्यूल दैट इज SF4। इसकी ज्योमेट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। तो 3s2 बना दिए और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है, और d ऑर्बिटल अभी खाली है। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगी s में 2 और p का जो एक ऑर्बिटल है वो शिफ्ट हो जाएगा d ऑर्बिटल में। तो s के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं? 1, p के 3 और d के 1। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये SF4 में। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए? SF4 एक लोन पेयर है इसमें और f कितने लगेंगे? 4 के साथ F, F और एक ये वाला F, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 ये हो गए F। अब क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये वाला जो एंगल है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बताते हैं ज्योमेट्री। S यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ये वाला एंगल शिफ्ट हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड पे, एक्सियल, और ये इक्वेटोरियल पे रहेंगे क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये ज्योमेट्री डिसऑर्डर डिसऑर्ड को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे, डिसऑर्डर, क्योंकि जो इसमें रिपल्शन है वो डिसऑर्डरली है, इसलिए टेट्रा ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जो इसमें एंगल होगा बॉन्ड पेयर में एंगल हो गया 120 डिग्री, और ये 90 डिग्री के एंगल पे होंगे और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज 180 डिग्री के एंगल पे। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp3 डी, और एंगल इसकी बॉन्ड पेयर में एंगल हो गया 120, एक्सियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड जो है उनमें एंगल हो गया 90 डिग्री, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एंगल 180 डिग्री। आई होप कि आपको समझ आया हो।